आपको लगेगा भाई नहीं ये प्रॉपर है लोटस गार्डन। अच्छा वो मैं दिखाऊँ, वो लिस्ट में नहीं है, वो अल्ता भाई की तरफ से आपको हमारी तरफ आप याद करना चाहिए अल्ता भाई। बिल्कुल, ये जो सामने मकान बना हुआ है भैया कितने साल पुराना होगा ये? 70-80 साल पुराना। तीन चार मकान हैं जी जो 70-80 साल पुराने और फिर भी खड़े हैं। पानी के बीच में टॉप हुए, आपको ऐसा पता चलेगा पानी के बीच में, जैसे यहाँ सामने जमीन देखा, इस आगे के बाद दोबारा पानी है। हाँ ये कई आइलैंड है, एक्चुअली छोटे छोटे आइलैंड है, उसके बाद बड़ी वाली डल लेक आती है। निकल चुके हैं हम शिकारा राइड के लिए और समय वैसे कम है, देखिए कितना शिकारा राइड कर पाते हैं। बाकी यहाँ बहुत सारी हाउस बोट्स हैं जो आपको सही रेट में मिल जाएंगी। होटलों में तो हर बार रहते हैं लेकिन कभी हाउस बोट में भी रहिए। यहाँ पे सब छोटी छोटी, जैसे आपकी वहाँ पे बाइक रहती है जी जी, इसमें आप बाजार जाते हो या कहीं काम से लेके जाते हो या कॉलेज जाते हो स्कूल जाते हो जी। हमारे यहाँ पे पानी के अंदर छोटी छोटी नावें हैं। अच्छा, जहाँ पे आपको मतलब कि हर घर के अंदर दो दो तीन तीन रहती है, स्कूटी रहती है आपके वहाँ पे, हमारे यहाँ पे छोटी छोटी नावें रहती है जी जी जी। वो पर्सन रहता है अपने अपने घर के अंदर, हर किसी के पास। हाँ वो तो हर बोट पे हर आदमी पे हर घर में रहता है, मैक्सिमम रहते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों बिना उसके तो गुजारा ही नहीं है। उसमें क्या है कि हमारे बच्चे लोग भी स्कूल जाएगा तो उसी में बैठ के रोड तक जाएंगे, रोड के सामने उसको बांध के रखेंगे फिर वो लेके जाएंगे। बिल्कुल सही बात भी है। डल लेक के मजे लेते हैं, वो भी शिकारा राइड। नेहरू गार्डन डल लेक के अंदर देख सकते हैं आप, बड़ा ही सुंदर है। यहाँ पे आप अपनी फोटो वोटो खिंचवा सकते हैं, राइड के लिए टिकट भी बुक करा सकते हैं और जो वाटर स्कीइंग होती है ना उस चीज के लिए। शाम का व्यू डल लेक से, वो सामने टावर वाला नहीं, टावर के बाजू वाला वो शंकराचार्य मंदिर है। ये फ्लोटिंग मार्केट है डल लेक का, यहाँ पे आपको तरह तरह की दुकानें मिल जाएंगी, तरह तरह के सामान मिल जाएंगे लेकिन महंगे होते हैं, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। बार्गेनिंग अपने हिसाब से कीजिएगा। कई लोग यहाँ पे फ्लोटिंग शिकारा का मज़ा लेते हुए, हर तरह की यहाँ पे आपको दुकानें मिल जाएंगी, क्राफ्ट कपड़े की, आप लोगों की पसंदीदा वादी लाल भी यहाँ पे है, छोटी मोटी परचून की दुकानें। बाकी ज़्यादातर यहाँ पे कपड़ों की दुकानें होती हैं, कश्मीरी कपड़ों की या आपकी हैंडीक्राफ्ट वगैरह की काफ़ी दुकानें होती हैं यहाँ पे। नॉर्मल ग्रोसरी शॉप भी होती हैं यहाँ पे, आपको वेजिटेबल तक मिल जाएगी। इस तरह के काफ़ी कपड़े आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, लेकिन ये ज़्यादातर सर्दियों के कपड़े होते हैं। बाकी लेडीज सूट वगैरह काफ़ी कुछ है, क्राफ्ट्स की दुकानें भी काफ़ी हैं, एंटीक आइटम्स रिलेटेड
ज्वेलरी रिलेटेड, ज्वेलरी की भी काफ़ी दुकानें हैं यहाँ पे। फिर आपके यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स की भी काफ़ी दुकानें हैं यहाँ पे। ये जो हाउस बोट आप देख रहे हैं काफ़ी महंगी हाउस बोट है, जिसकी कीमत 2.5 से 3 करोड़ के आसपास है, और इस पे जो नक्काशी की गई है वो अत्यंत ही सुंदर है। सामने बोट्स देख रहे हैं, ये सारी बहुत वीआईपी बोट्स हैं। इसका एक एक दिन का किराया 5-5 से 10-10 हज़ार 15 हज़ार रुपये होता है, और इस बोट की कीमत की बात करें तो 2.5 से 3 करोड़ की ये बोटें होती हैं, वीआईपी लग्जरी बोट्स होती हैं। ये सारा फ्लोटिंग मार्केट है, और देखिए कितनी भीड़ है कस्टमर्स की। सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं, एक से एक डिज़ाइन वाली, यहाँ के आप इन्हें पसंद कर सकते हैं। ये शायद ही आपको कहीं बाज़ार में मिलें इस तरह की कारीगरी। ये आपकी मैट्स हैं, साड़ियाँ हैं, कुर्तियाँ हैं, आप देख रहे हैं इस साइड फ्लोटिंग मार्केट है सारी एक से एक। और ये जैसे आप हमारे लेफ्ट साइड में आते हैं तो देखते हैं सारी की सारी वेजिटेबल लैंड है। वेजिटेबल लैंड मींस यहाँ पे सारी सब्जियाँ उगाई जाती हैं एक से एक तरह की। इसके पीछे जितना भी है सारा सब्जियाँ उगाई जाती हैं। यहाँ से शुरुआत होती है मीना बाज़ार की, जहाँ पे कई पिक्चरों की शूटिंग हुई है, मिशन कश्मीर, हैदर और अनेकों पिक्चरों की यहाँ पे शूटिंग हुई है। बीच डल लेक में एक छोटा सा फास्ट फूड पॉइंट है, फ्लोटिंग फास्ट फूड। फ्लोटिंग तो नहीं, मतलब एक तरीके से फिक्स है यहाँ पे। यहाँ पे आप छोटे मोटे नाश्ते का अपना लुत्फ़ उठा सकते हैं और जो चाहे वो खा सकते हैं, वेज नॉन वेज दोनों मिलता है।